इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा, क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स और स्टडी नोट्स, हैंड नोट्स, सब कुछ, इसकी मदद से आप इस बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, जिसकी मदद से आपको मेरी आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 के चैप्टर 10 रसायन विज्ञान का उपसंयोजक यौगिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी अति लघु लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी विद सॉल्यूशन आपको लेकर आया हूं। आप एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लो और उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाओ। बहुत लोग बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए जिसकी वजह से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है जो मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, तो प्लीज यार बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसंयोजक यौगिक के बहुविकल्पी प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी एक मार्क्स के आते हैं, जो बोर्ड 2019 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? आपको बताना है वह कौन सा आयन है जो उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो Na+ आयन है जो उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता, तो इसका आंसर हो जाएगा Na+ आयन। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हेट्रोलेप्टिक संकर है, आपको बताना है कि हेट्रोलेप्टिक संकर क्या है। तो आपको पता होगा हेट्रोलेप्टिक संकर CO NH3 5 SO4 प्लस हेट्रोलेप्टिक संकुल है, क्योंकि इसमें धातु परमाणु दो भिन्न प्रकार के लिगेंडों से जुड़ा हुआ है। तो हेट्रोलेप्टिक संकर पूछेगा तो आप ये दे देंगे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा आयन बंधनी समावता दर्शाता है? आपको बताना है वह कौन सा आयन है जो बंधनी समावता दर्शाता है। तो सी एन माइनस हमारा बंधनी समावता दर्शाता है। तो ये तीन क्वेश्चन थे जो बहुविकल्पी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, Na+, हेट्रोलेप्टिक संकर है, CONH3 SO4+, और फिर कौन सा आयन बंधनी समावता दर्शाता है, CN माइनस। फिर हम आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न हमारा है, जो उदासीन धनायक तथा ऋणायक संकर यौगिक में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। आपको इन तीनों का एक एक उदाहरण देना है। तो मैंने इसका आंसर आपको पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी क्वेश्चन का आंसर का, जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप सभी क्वेश्चन का आंसर वहां से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सट दंतु लिगेंड का नाम लिखिए। आपको किसी एक सट दंतु लिगेंड का नाम लिखना है, तो इसका होता है आंसर, मैं वो बता देता हूं, ई डी टी ए एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट, एक सट दंतु लिगेंड है। फिर से सुन लीजिए, एथिलीन डायमीन और टेट्रा एसिटेट, ये एक सट दंतु लिगेंड है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिक के महत्व का उल्लेख कीजिए। आपको बताना है कि जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिक का महत्व क्या होता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2019 में बहुत बार पूछा, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और इसका मैं सॉल्यूशन आपको नीचे दे दिया, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है, उसका एक उदाहरण देना है। आपको बताना उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है? आपको बताना है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका भी आंसर मैंने पीडीएफ दे दिया और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरी प्रश्न जो 3 मार्क्स में आते हैं। पहला प्रश्न है, उपसंयोजक यौगिकों की संरचनात्मक समावता की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। आपको उपसंयोजक यौगिकों की संरचनात्मक समावता की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ करना है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है, इसका भी आंसर आपको नीचे पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नर के सिद्धांत को समझाइए, यदि CONH3S5Cl2 को जल अपघटित किया जाए तो कितने आयन बनेंगे, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स से पूछा जा सकता है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, उपसंयोजक यौगिक से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आ सकता है, कौन सा वो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अष्टफलीय क्रिस्टल क्षेत्र का चतुष्कलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कचकों का विपाटन किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा दर्शाना है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंड को समझाइए।
यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए, उपसंयोजक यौगिक के लिए यही एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो ये था 5 मार्क्स का द्वितीय प्रश्न, इसका भी आंसर आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर से मैं आपको एक बार रिविजन करा देता हूँ कि जो बहुविकल्पी प्रश्न 3 कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनुपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता, एन ए प्लस हेटरोलिप्टिक संकर है, सीओ एन एस थ्री 5SO4 प्लस और फिर कौन सा अन बंधनी से बनता दर्शाता है सीएन माइनस, ये बहुविकल्पी है। फिर मैंने आपको अति लघु प्रश्न बता दिया, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी, अगर आप ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आप गारंटीड है जितने भी प्रश्न आएंगे आप बहुत अच्छा नीचे कर लेंगे। और सभी प्रश्न के आंसर के लिए नीचे पीडीएफ लिंक दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को अगर चैनल पर नए हो और पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, और जो नए हो वो सब्सक्राइब तुरंत कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।